हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांता कॉमर्स के ऊपर। ये है जीएसटी अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 2। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एंड बात करेंगे जीएसटी के इम्पोर्टेंस के बारे में। और साथ ही साथ इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर किस तरीके से जर्नल एंट्री पास किया जाता है इन केस ऑफ जीएसटी, यानी कि जब आप गुड्स परचेस करते हैं या फिर सेल करते हैं तो सेल करने का एंट्री आपको आता है, परचेस करने का भी एंट्री आता है आपको, मगर किस तरीके से जीएसटी के साथ एंट्री किया जाता है ये आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सीखा जीएसटी क्या है, जीएसटी कब इम्प्लीमेंट हुआ, जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर क्या है, कब जीएसटी लगता है, कब जीएसटी नहीं लगता है, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, इनपुट जीएसटी क्रेडिट क्या होता है जिसको हम लोग शॉर्ट में सेट ऑफ भी बोलते हैं और आपके लेवल में सेट ऑफ ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हम लोगों ने सीखा है और इस वीडियो में चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, तो जीएसटी रेट स्ट्रक्चर, पहले जीएसटी से पहले क्या लगता था ये भी हम लोग ने जाना और आज हम लोग शुरुआत करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीएसटी से कि आखिर जीएसटी होता क्या है, जीएसटी के बारे में थोड़ा और समझेंगे। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है तो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा समझेंगे। जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। हम आपको बताए ना कि दो तरीके का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो आपके इनकम पे लगता है वो उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, मगर यहाँ पर जो टैक्स लग रहा है गुड्स सेल करने में और परचेस करने में उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है। और क्या कह रहा है, जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज रिप्लेस्ड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस लेव्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर जो हम लोग कल पढ़े हैं उसी का समझ लो ना रिवीजन हो रहा है और कुछ नहीं। अब ये बताइए, हम लोग कल जीएसटी के बारे में क्या पढ़े, सर ये वो टैक्स स्ट्रक्चर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से लगाता था और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स अलग से लगाता था उसको रिप्लेस करके और यहाँ पर जीएसटी आ गया। तो पहला क्या है, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि सारे टैक्स स्ट्रक्चर को हटा के अकेले जीएसटी आ गया। पहले वैल्यू एडेड टैक्स, ऑक्ट्राई टैक्स, है ना, सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, अलग अलग तरीके का टैक्सेस जो लगता था उसको रिप्लेस करके क्या लाया गया है, जीएसटी। इसलिए इसको कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म जीएसटी। यूनिफॉर्म जीएसटी, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब आपका ड्रेस नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। तो आपको पहले कल ही हम बताए थे कि पूरे इंडिया में अगर पेन के ऊपर 5% का जीएसटी लग रहा है तो इंडिया में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग करिए 5% का ही जीएसटी लगेगा। तो वन नेशन वन टैक्स वाला बात हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट। अगर दुकानदार की बात करें, कल हम लोगों ने समझा था कि अगर हम दुकानदार हैं और उस कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम मर्चेंट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के और हम रॉ मटेरियल कपड़ा खरीदने गए, तो अगर उस कपड़े को हम रीसेल करने वाले हैं तो जितना भी टैक्स देंगे वो मुझे वापस मिल जाएगा, जितना भी हम टैक्स देंगे वो मुझे वापस मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, है ना। जिसको हम लोग अलग अलग बोलते हैं इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। जब परचेस करते हैं तो जो टैक्स देते हैं जिसको इनपुट बोलते हैं, और जब सेल करते हैं और कस्टमर से उसी पे जो टैक्स लेते हैं उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। और जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स भी है। जीएसटी एंड वैल्यू एडेड टैक्स कहने का मतलब, चलिए एक एग्जांपल हम अलग से लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कल जो एग्जांपल लिए थे, जैसे आपको बताए थे कि हम अगर परचेस करते हैं 1 लाख रुपए का, है ना, परचेस अगर हम 1 लाख रुपए का कर रहे हैं तो इसमें जीएसटी कितना लगेगा, एट द रेट ऑफ 5% का,
तो 5,000 रुपया मुझे लगा इनपुट जीएसटी, जिसको हमको क्या 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 कहेंगे इनपुट जीएसटी, एंड टोटल ये वैल्यू कितना हो गया 1,05,000 रुपया। इसी चीज को हम बेच रहे हैं, इसी चीज को बेच रहे हैं, है ना, और इसको हम बेच रहे हैं 1,10,000 रुपए में। तो यहां पर आप देखिए वैल्यू एडिशन हम कितना किए, 10,000 रुपए का किए हम वैल्यू एडिशन, कितने का किए, 1,00,000 का चीज को हम कितना बेच रहे हैं 1,10,000 में, तो वैल्यू एडिशन कितना है 10,000 रुपया। अच्छा इस पे भी जीएसटी उतना ही लगेगा सेल पे, मगर जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं आउटपुट जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, तो 5,500 रुपया हो जाता है। तो फाइनली आपका कितना हो जाएगा 1,15,500 रुपया। और आप यहां पर देख रहे हैं हमने टोटल कस्टमर से कितना टैक्स लिया 5,500, जिसमें कि 5,000 हम पहले दे चुके थे, तो ये रख लेंगे। बाकी का ये जो 500 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स जो बना, ये जो एक्स्ट्रा टैक्स बना ये वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स है। क्योंकि आप देखिए अगर इस 10,000 का, इस 10,000 का 5% हम कैलकुलेट करें तो कितना आता है 500, और ये 10,000 जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं यानी कि एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहे हैं इसी के ऊपर का टैक्स ये बता रहा है। इसलिए अगर मान लीजिए इसी इस गुड्स को हम सेल अगर करते, इस गुड्स को अगर 1,00,000 में ही सेल करते तो क्या होता, 1,00,000 में अगर सेल करते और 5, तो 5% के हिसाब से 5,000 टैक्स बनता। तो फाइनली देख रहे हो कि 5,000 परचेज करने पे लगा और 5,000 सेल करने पे लगा। तो सिंपली कहने का मतलब आके आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जीएसटी जो है ना एक्स्ट्रा कब बढ़ता है, जीएसटी का अमाउंट जो टैक्स का जो अमाउंट है वो कब बढ़ते कब चला जाएगा, जितना जितना वैल्यू एडिशन करेंगे उतना बढ़ते चला जाएगा। जितना वैल्यू एडिशन करिएगा आपका जो जीएसटी का रेट है वो बढ़ते चला जाएगा। मान लीजिए इसी चीज को हम 1,20,000 में बेचते हैं तो टैक्स अमाउंट 6,000 हो जाता है ना। तो जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ेगा, जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा उतना ज्यादा जीएसटी का रेट जो है वो बढ़ते चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो उसको सरल शब्द में समझाने के लिए ये एग्जाम्पल ना लेते हुए आप एक बार इसको भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो आप घर में इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब आखिर क्या उद्देश्य है जीएसटी अप्लाई करने का, या फिर एडवांटेज की बात करें जीएसटी अप्लाई करने से क्या एडवांटेज हुआ, हमारे देश में क्या क्या बदलाव आया। तो सबसे पहला एडवांटेज है बच्चों डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। सबसे पहले तो कॉस्ट रिड्यूस हो गया। कॉस्ट रिड्यूस हो गया कहने का मतलब जैसे देखो कभी कभी क्या होता था ना कि जैसे आपका होटल का बिल का ही बात करें, होटल का बिल का पहले क्या होता था 100, 1,000 रुपए का अगर बिल बन रहा है तो हम आपको बताए थे कि 19% का टैक्स लगता था। कितना परसेंट का, 19% का, तो 190 रुपया टैक्स हो गया। तो टोटल बिल कितना बन रहा, 1,190 रुपए का, ठीक है। मगर आज जीएसटी आने के कारण, एक हजार रुपए का अगर आपका होटल में बिल बनता है तो मात्र 5% का टैक्स रेट है, तो कहने का मतलब 50 रुपया। तो फाइनली बिल कितने का बनेगा, 1,050 रुपए का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टैक्स का जो जीएसटी आने के कारण कुछ गुड्स में ऐसा हुआ है कि टैक्स जो है रेट घट गया है, कुछ गुड्स में टैक्स रेट घट गया है और कुछ गुड्स में टैक्स रेट बढ़ गया। तो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जो टैक्सेस लगाती थी वो टोटली हटा दिया गया है, और कहीं ना कहीं एक टैक्स स्ट्रक्चर लगाया है ताकि किसी भी तरीके के दुकानदार को प्रॉब्लम ना हो। चलो इसको एक बार रीड आउट करते हैं, देखो क्या कह रहा है। द कॉस्ट ऑफ गुडविल, सॉरी, द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स विल डिक्रीज सिंस द टैक्स इज एलिमिनेटेड इन जीएसटी रिज्म। इन द प्री जीएसटी रिज्म, मतलब जीएसटी आने से पहले देयर वर मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेव्ड ऑन बोथ बाई बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसा कि होटल के केस में ही बात कर लो तो दो तरीके का टैक्स लग जाता था, सर्विस टैक्स अलग और वैट अलग, मगर अब क्या लगता है, सिर्फ जीएसटी लगता है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके का जो टैक्सेस लगता था वो तो हटा दिया गया और सिंपल सा यूनिफाइड टैक्स लगाया गया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि कहीं कहीं पे मान लो 32% का टैक्स लग रहा है
तो घटा के इसको फिक्स कर दिया गया कहां पे, 28% पे। कहीं पे 19% का होटल में टैक्स लग रहा है तो उसको घटा के कितना कर दिया गया, 5% पे। और अगर 5%, अगर आप 5 स्टार होटल में जा रहे हैं तो वहां पे आपको 28% का जीएसटी लगेगा, क्योंकि आप लग्जरी है भाई, आप अमीर हैं तो पैसा भी ज्यादा दीजिए, है ना। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि जीएसटी के आने के कारण जो कॉस्ट है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब क्या होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब होता है कि आपको बिजनेस करने में बहुत सहूलियत हुआ। अब जैसे मान लीजिए हम दुकानदार हैं, हम गुजरात से गुड्स मंगा रहे हैं, तो गुजरात से खरीदे तो वहां परचेस टैक्स दिए, फिर जब गुजरात से अलग अलग स्टेट होते गया आ रहा है, बिहार जो है वो अलग अलग स्टेट होते आ रहा है, तो मान लीजिए गुजरात से पहले महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र से फिर यूपी आया, यूपी से फिर झारखंड आया, फिर झारखंड से बिहार आ रहा है, इस तरीके से मान लो आ रहा है, तो हर स्टेट पे हमको एक स्टेट टैक्स देना पड़ेगा, है ना। फिर उसको अगर हम बेचेंगे तो सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, अगर मान लीजिए उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किए तो वैल्यू एडिशन टैक्स देना पड़ेगा। मतलब बहुत तरीके का कंफ्यूजन हो जाता था बिजनेसमैन के दिमाग में कि भाई अगर सेल्स टैक्स दे रहे हो तो सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराओ, एक्साइज ड्यूटी दे रहे हो तो एक्साइज ड्यूटी में रजिस्ट्रेशन कराओ, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लीजिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाइसेंस लीजिए, वहां रजिस्ट्रेशन कराइए, तो बहुत तरीके का कॉम्प्लिकेशंस आ जाता था। बात समझ में आया। तो कहीं ना कहीं जैसे ही जीएसटी आया तो इतना सारा जो कॉम्प्लिकेशन था, अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर, उसको हटा के एक टैक्स स्ट्रक्चर रखा गया। तो बिजनेसमैन को भी क्लियरिफाई हो गया कि बस जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं अगर उसमें 12% का लग रहा है तो 12% का टैक्स लगेगा, और एक ही बार टैक्स लगेगा, बार बार अलग अलग जगह पे अलग अलग जो टैक्सेस लगता था वो अब नहीं लगेगा। तो इसलिए कह रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है डेवलपिंग कॉमन नेशन नेशनल मार्केट। कॉमन नेशनल मार्केट कहने का मतलब, हम आपको बताए थे ना कि जब जीएसटी नहीं था उस समय क्या होता था, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, आप जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। अब मान लो वेस्ट बंगाल में एक्साइज ड्यूटी लग रहा है 5% और गुजरात में लग रहा है 8%, है ना, 8%, और हमारा बिहार का नीतीश सरकार कह रहा है बिहार पे कि भाई हम तो 10% लेंगे, हमको तो और कंगाल है, हमको और पैसा चाहिए। तो इस केस में हो क्या रहा है, आप देख रहे हो एक देश है मगर बंगाल में मैन्युफैक्चरिंग करो तो कम लगेगा, गुजरात में करो तो और ज्यादा, और बिहार में करो तो और ज्यादा। एक नेशन में एक तरीके का मार्केट नहीं है, अलग अलग मार्केट है, तो उसको हटा के क्या कर दिया गया, यूनिफाइड कर दिया गया कि नहीं भाई, अगर मान लीजिए मोबाइल के इक्विपमेंट पे, मोबाइल पे अगर 18% का जीएसटी लग रहा है तो इंडिया का कहीं भी, इंडिया में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग हो वहां 18% ही लगेगा। तो ये है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। कॉमन नेशनल मार्केट कहने का मतलब ऐसा मार्केट डेवलप करें कि आप कहीं से भी खरीदिए गुड्स, आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अरे इवन आप जानते हो सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स आपको पता है कि पहले पहले होटल में अगर आप खाना खाते थे तो आपको दो टैक्सेस लगता था, सर्विस टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। वैल्यू एडेड टैक्स जानते हो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग परसेंट, बिहार में था 4.5%, है ना, यूपी में था 3.5%। अब बताओ तो मतलब ये है कि अगर 14% का सर्विस टैक्स है तो बिहार में अगर खाना खाओगे तो 14% प्लस 4.5%, यानी कि 19% आपको टैक्स लगेगा, मगर वही तुम यूपी के होटल में खाना खाते हो तो 14.5% प्लस 3.5%, यानी कि 18.5% का टैक्स लगेगा। इतना प्रॉब्लम हुआ करता था। तो ये सब जो अलग अलग भेदभाव वाला चीज है वो चीज हटा दिया गया। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ इवेशन। ये क्या होता है, टैक्स इवेशन। टैक्स इवेशन मतलब टैक्स का चोरी होना। पहले इतना ज्यादा चोरी होता था टैक्स का कि पूछो मत।
मतलब जितना देखो सिंपल सा फंडा है, जितना ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन रखिएगा उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, और दुकानदार उतना कोशिश करेगा कि हम वो काम ना करें। और अगर मान लीजिए जैसे आज के डेट में आप जानते हो कि पहले के मुकाबले आज के डेट में लोग ज्यादा जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएं, है ना, पहले पहले बहुत कम दुकानदार अपना टैक्स रिटर्न भरता था, मगर आज जीएसटी आने के कारण हर दुकानदार के पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो टाइम टू टाइम महीने महीने वो जीएसटी का रिटर्न भी फाइल करता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि टैक्स में जो चोरी होता था, जिसको हम कहते हैं टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन मतलब होता है टैक्स में चोरी, आप लिख लेंगे कॉपी में, टैक्स इवेशन मतलब टैक्स में चोरी, तो ये टैक्स का चोरी जो है वो रुका। जीएसटी इज एडमिनिस्ट्रेटेड थ्रू कंप्यूटर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइलिंग एंड असेसमेंट हैज रिड्यूस्ड टैक्स इवेशन एंड कॉम्प्लायंसेस कॉस्ट। अलग से जो एक्स्ट्रा खर्चा लगता था वो हटा, और जैसे आप मान लीजिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना सब ऑनलाइन होता है, सब ऑनलाइन होता है, आपका ऑफलाइन नहीं होता, ऑफलाइन भी होता है ऑनलाइन भी होता है। अब पहले क्या होता था ना, सारा चीज ऑफलाइन होता था, तो कहीं ना कहीं आपको खर्च भी ज्यादा देना पड़ जाता था, है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गुड्स बिकमिंग चीपर, और ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है कि गुड्स जो है वो चीपर होते चला जा रहा है, सस्ता, क्योंकि जहां पे टैक्स लग रहा था 20% 19%, वहां पे अब 5% का टैक्स लग रहा है, तो ये चीपर तो होगा ही होगा। एंड लास्ट क्या कह रहा है, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जीएसटी आने से क्या हुआ, फॉरेन की कंपनीज आना चालू की, कैसे समझिए जरा। अब जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन लगाया हुआ है सरकार, हमारे देश का सरकार अलग अलग चीज के लिए अलग अलग लाइसेंस मांगता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, तो जब कोई विदेशी कंपनी आता है इंडिया में, तो कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में तभी आएगा जब उसको बिजनेस करने के लिए सहूलियत मिलेगा। अब जैसे आप अमेरिका में बसना चाहते हैं तो आप तभी बसोगे जब वहां की सरकार आपको सपोर्ट करेगी, है कि नहीं, तो उसी तरीके से कोई विदेशी कंपनी तभी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा जब इंडियन गवर्नमेंट यहाँ बिजनेस करने के लिए एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। और जीएसटी में हर वो ऑब्स्टेकल्स जो बिजनेस करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता था उसको एलिमिनेट किया गया, और ये कोशिश किया गया कि इंडियन जो है वो भी अच्छे से बिजनेस कर पाए, और साथ ही साथ कोई विदेशी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी कर पाए इजिली। इसलिए जितना ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया रूल्स एंड रेगुलेशन, उस वजह से हमारे देश का जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो क्या होते चला गया, इंक्रीज होते चला गया, जिसको हम लोग बोलते हैं FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, विदेश से फंडिंग आना, विदेशी कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस सेटअप करता है, जैसे सैमसंग कंपनी अपना प्लांट सेटअप किया है ना, बहुत सारी विदेशी कंपनीज है जो इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रही है, तो इसको क्या कहेंगे, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है, टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट एंड रेगुलर एंड प्रिडिक्टेबल। मोर ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब पहले के मुकाबले लोगों को ज्यादा समझ में आने लगा और भी सिंप्लीफाइड मैनर में काम होने लगा, ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जो आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब थोड़ा समझिए इस ये क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्स, टाइप्स ऑफ टैक्स, तो इधर से नहीं बता रहे हम आपको, डायरेक्ट इधर से बता रहे, ठीक है, हम अपने लैंग्वेज में आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है, दो तरीके से सेल किया जाता है, एक है विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, और एक है आउटसाइड स्टेट, ठीक है, विद इन स्टेट आउटसाइड स्टेट। तो जीएसटी को तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया गया, पहला क्लास क्या है, आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी, और उसके बाद है एसजीएसटी, और एसजीएसटी के बदले एक और है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। आपको पता है कि हमारा सरकार, हमारे देश में स्टेट भी है और यूनियन टेरिटरी भी है ना, तो अगर स्टेट में टैक्स लग रहा है, जैसे अगर बिहार है तो बिहार की बात करें तो बिहार क्या है, स्टेट है,
मगर अंडमान निकोबार क्या है? यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो अगर बिहार में सेल हो रहा है तो एसजीएसटी यूज करेंगे, एसआईजीएसटी। सबसे पहला टर्म आपका है आईजीएसटी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का तो फुल फॉर्म आपको पता ही है। सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट, एस मतलब क्या है? स्टेट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब आईजीएसटी हम बोले तो आप समझ जाना इंटीग्रेटेड बोल रहे हैं, अगर सीजीएसटी बोल रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी बोल रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं। तो होता क्या है कि जब आप विदिन स्टेट, विदिन स्टेट कहने का मतलब देखो, सेल जब होता है, जब ट्रेडिंग होता है, तो ट्रेडिंग में दो पार्टी होते हैं, एक होता है बायर और एक होता है सेलर, ठीक है। तो अगर सेलर और बायर दोनों एक ही स्टेट का है, यानी कि बायर भी बिहार का है और सेलर भी बिहार का है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वो विदिन स्टेट सेल हो रहा है ना, दोनों बिहार का ही है, दोनों बिहार का ही है। मगर अगर आपका बायर, बायर और सेलर की बात करें, बायर जो है वो बिहार का है और सेलर जो है वो यूपी का है, तो इसको कहेंगे आउटसाइड स्टेट, ठीक है। तो जब विदिन स्टेट सेल होता है, यानी कि बायर भी बिहार का और सेलर भी बिहार का, तो उस केस में जीएसटी जो लगेगा, मान लीजिए अगर टैक्स रेट है 12%, जो गुड्स हम बेच रहे हैं उसका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है? 12%। तो यहां पर टैक्स को ना दो पार्ट में बांट दिया जाएगा, 6% अलग और 6% अलग, दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। एक पोर्शन जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, तो एसजीएसटी, और एक पोर्शन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजीएसटी। और अगर सिंपली कहने का मतलब, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, एकदम आसान है, विदिन स्टेट कहने का मतलब कि बायर भी बिहार का है और सेलर भी बिहार का है, दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करता है। उस केस में जो भी प्रोडक्ट का टैक्स रेट है, मान लीजिए 18% है, तो 9-9 दो पार्ट में बढ़ जाएगा। मान लीजिए 28% है, तो 14-14 दो पार्ट में बढ़ जाएगा। मान लीजिए 5% है, तो 2.5 और 2.5 बढ़ जाएगा। और दोनों टैक्स का रेट का नाम क्या होगा? एक का नाम होगा एसजीएसटी, एक का नाम होगा सीजीएसटी। तो अगर 12% एज्यूम करते हैं, तो 6% एसजीएसटी के नाम पे कटेगा और 6% सीजीएसटी के नाम पे कटेगा। और इसको क्या कहेंगे? 6% जो पैसा है वो सीजीएसटी गवर्नमेंट को जाएगा, सीजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, और 6% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर टोटल टैक्स रेट 12% के हिसाब से 12 रुपया बनता है, तो उसमें 6 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 6 रुपया स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। मगर आउटसाइड द स्टेट करते हैं, आउटसाइड द स्टेट करते हैं, कहने का मतलब बिहार का सेलर है, बायर है, और सेलर कहाँ? यूपी का। तो आउटसाइड द स्टेट हो गया, तो वहां पे सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा आईजीएसटी। क्या लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और वो एक बार में लगेगा, अगर 12% है तो 12%, 18% है तो 18, 28 है तो 28, 5% है तो 5%। और सर अगर यूनियन टेरिटरी है तो एसजीएसटी यूज ना करके, एसजीएसटी यूज ना करके हम लोग क्या यूज करेंगे? यूटी जीएसटी। बात समझ में आया? बस हो गया, इसी बात को यहां पर लिखा हुआ। तो स्टेट जीएसटी, एसजीएसटी, और उसको हम लोग यूनियन टेरिटरी जीएसटी भी बोलते हैं, यूटी जीएसटी। आई होप कि आपको क्लियर होगा, और अगर थोड़ा सा भी क्लियर है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी इसके ऊपर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। सेंट्रल जीएसटी आपको क्लियर हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, और फिर इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी कहने का मतलब जो आउटसाइड द स्टेट सेल परचेस होता है, उस केस में हम लोग आईजीएसटी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा,
ये रिवर्स चार्ज क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और ये कुछ आपका अकाउंटिंग प्रोसीज्योर बता रहा है कि परचेस के केस में क्या एंट्री पास करते हैं। ये अभी रहने दो, हम क्वेश्चन के थ्रू इसको डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना, एकदम आसान है। आप लोग जर्नल एंट्री सीखे हुए हैं, जर्नल एंट्री में आपको पता है कि परचेस का एंट्री क्या होता है, सेल का एंट्री क्या होता है, तो एकदम आसान है, कुछ इसमें नया आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। देखिए क्या कह रहा है, पास द एंट्री इन द बुक ऑफ अशोक ब्रदर्स एज्यूमिंग दैट ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन इंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, है ना। आपको क्या कह रहा है, आईजीएसटी का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटीग्रेटेड नंदिनी, इंटीग्रेटेड मतलब होता है मिला हुआ, है ना, और अभिषेक आईजीएसटी का पैसा डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर कुछ पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है, बात समझे, ठीक है। आपको हम बता देंगे, बीच बीच में चलते रहेगा ये सब चीज। तो देखिए क्या कह रहा है, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है पास द एंट्री इन द बुक ऑफ अशोक ब्रदर, अशोक ब्रदर दुकानदार है और इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको एंट्री पास करना है, और एज्यूमिंग दैट ऑल द ट्रांजेक्शन हैव बीन इंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए सारे के सारे बिहार में ही हुए। अब बताओ सारा का सारा बिहार में हुआ है तो उस केस में क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और सीजीएसटी का रेट है 6% और एसजीएसटी का रेट है 6%, यानी कि 6+6 टोटल टैक्स रेट कितना है 12% का, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 जून को है, है ना, 2 जनवरी को है, परचेज गुड्स फ्रॉम फोर 2 लाख ऑन क्रेडिट, 2 लाख रुपए में खरीदे हैं, 2 लाख रुपए का सामान खरीदे उधार पे। अब ये बताइए आप परचेज कर रहे हो 2 लाख रुपीस का, ठीक है, जिसमें कि इनपुट आप परचेज करते हैं तो क्या लगता है, कौन सा टैक्स लगता है, इनपुट, क्या लगता है, इनपुट, तो इनपुट तो लग जाएगा, मगर आपको पता है कि चूंकि बिहार के अंदर में हुआ है तो सीजीएसटी अलग और एसजीएसटी अलग, तो फाइनली कहने का मतलब 2 लाख पे एट द रेट ऑफ 6% और एट द रेट ऑफ 6% 2 बार टैक्स लगेगा। परचेस कर रहे हैं इसलिए इनपुट लिखे हैं, है ना, और एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी, 2 लाख का 6% कितना होता है 12,000, तो 12,000 ये, 12,000 ये, तो सिंपली कहने का मतलब ये कितना है, टोटल 2,24,000 रुपया, बात समझ में आ रहा है। मतलब मान लीजिए हम अशोक एंड ब्रदर्स हैं और हम 2 लाख रुपए का गुड्स परचेस किए हैं उधार पे, तो 2 लाख का तो गुड्स है, टोटल 12,000 रुपया सीजीएसटी और 12,000 रुपया एसजीएसटी, तो टोटल बिल कितने का बनेगा, 2,24,000 रुपए का। तो जिस तरीके से आप रेस्टोरेंट में करते हो उसी तरीके से यहां पर भी है, कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ रहा, बस यहां पर अलग अलग दुकानदार का, अगर बिहार नहीं रहता तो आईजीएसटी लिखते हैं, वो भी आएगा, आप निश्चिंत रहिए अमन, है ना, सारा क्वेश्चन आएगा। इसका जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, तो आपको पता है परचेस हमेशा कहाँ जाता है, डेबिट में जाता है, परचेस कहाँ जाता है, डेबिट में, तो लिखेंगे परचेस अकाउंट डीआर 2 लाख रुपया। और आपको बता दें, याद होगा आपको कि इनपुट मेरे लिए चूंकि एसेट्स होता है इसलिए हम इसको कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में, कल के क्लास में याद है, इसलिए इनपुट जीएसटी जब हम पे करेंगे तो हमेशा कहां जाएगा, डेबिट में, यानी कि परचेस के साथ इनपुट जाएगा, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर 2, और अमाउंट कितना होगा 12,000 और 12,000। अगर कैश में पेमेंट करते हैं तो लिखते हैं 2 कैश, मगर आपको यहां पे बोल रहा है ऑन क्रेडिट, तो अगर ऑन क्रेडिट बोल रहा है तो कैश ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, जिससे उधार खरीदे उसका अगर नाम नहीं दे रहा है, देखो यहाँ पे नाम भी नहीं दे रहा, अगर नाम दे देता वाई, नाम दे देता तो हम वाई का नाम लिखते, और अगर चूंकि नाम नहीं दिया है
तो क्रेडिटर लिखेंगे और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2,24,000 रुपया। मतलब कल को हम उसके पास जाएंगे सामान वापस पैसा कर देने, तो वो टोटल हमसे 2,24,000 लेगा, 2 लाख सामान का और 24,000 रुपया टैक्स का। तो बस आपको करना क्या है कि अगर जीएसटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जीएसटी की बात कर रहा, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि विद इन इंडिया, विद इन बिहार और विद इन स्टेट हो रहा है कि नहीं। हाँ, विद इन स्टेट हो रहा, तो टैक्स को 2 पार्ट में बांट देंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है, और अलग अलग कैलकुलेट करके इनपुट लिख देंगे, क्योंकि परचेस किए इसलिए इनपुट और सेल करते तो आउटपुट, ठीक है ना। तो देखिए आपके बुक में इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है सामने, परचेस अकाउंट डीआर 2 लाख, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट आईजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डीआर, टू क्रेडिटर 2,24,000 रुपया, और नरेशन में हो गया बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट। आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री आपका क्वेश्चन नंबर 5, 5 जनवरी, सोल्ड गुड्स 3 लाख ऑन क्रेडिट, सेल कर रहे हैं। अब ये बताओ, देखो ये जो जीएसटी है ना, ये सारे के लिए कॉमन है। अब ये बताओ सेल के केस में क्या लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आउटपुट लिखते हैं। सेल कितने का कर रहे हैं, 3 लाख रुपए का, जिसमें कि 12% का जीएसटी है, क्योंकि विद इन बिहार हो रहा है, तो आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी अलग हो जाएगा और आउटपुट एसजीएसटी अलग हो जाएगा, एट द रेट ऑफ 6%, एट द रेट ऑफ 6%। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो 3 लाख रुपए का सेल किए हैं, कितने का सेल किए हैं, 3 लाख रुपए का सेल किए हैं, जिसमें कि 6% के हिसाब से 18,000 इधर, 18,000 इधर, तो टोटल हो जाएगा 18 दूनी 36, तो 3,36,000 रुपए का बिल बन गया। सर एंट्री क्या करें? तो बाबू ये बताओ सेल क्या होता है, क्रेडिट होता है कि डेबिट? तो सर सेल तो क्रेडिट होता है, याद है सर, आप पढ़ाए थे। कितने का अमाउंट है, 3 लाख रुपए का। तो आपको हम बताए हैं कि सेल के साथ, जैसे परचेस के साथ, परचेस अगर डेबिट था तो इनपुट भी डेबिट, उसी तरीके से सेल अगर क्रेडिट है तो आउटपुट भी क्रेडिट। सेल के साथ आउटपुट लिखते हैं, तो आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी कितना, 18,000, और आउटपुट एसजीएसटी 18,000। और चूंकि उधार पे बेचे हैं, देखो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में ऑन क्रेडिट बेचे हैं, तो अगर उधार पे बेचे हैं, और किसको उधार पे बेचे हैं अगर पता नहीं है, तो हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, डेटर यूज करते हैं। अगर ये सब चीज अगर आपको तो याद नहीं रहता है, तो आपको पढ़ाई लिखाई छोड़ देना चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हमको क्रेडिटर डेटर अभी तक याद नहीं है, तो क्लास रहता तो शायद पूछते और नहीं बताते तो 2-4 लपड़ जड़ भी देते, मगर फिलहाल तो बहुत दूरी बनाए हुए हैं। पता चला तुम लोग को मारने के चक्कर में हम अपना लैपटॉप तोड़ लिए, है ना। तो चलिए, बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ओरली डिस्कस करते हैं, देखो क्या कह रहा, परचेस कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000 का, एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखो इस बार पेमेंट चेक से दिए, तो टू बैंक लिखेंगे। अब बताओ क्या कंप्यूटर पे टैक्स नहीं लगेगा? सर जरूर लगेगा, प्रिंटर पे टैक्स लगेगा। प्रिंटर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, चलो फटाफट से बताओ, तो प्रिंटर के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? तो सर प्रिंटर, कंप्यूटर प्रिंटर, ये सब ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर में आता है। याद है बताए थे कि कंप्यूटर प्रिंटर वगैरह किसके दायरे में आता है? अगर कंप्यूटर खरीदे हैं तो ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, प्रिंटर खरीदे हैं ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, अगर प्रिंटर का कार्टेज खरीदे हैं तो ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल 50,000 का प्रिंटर है और 6% का जीएसटी, तो 50,000 में 6% कितना हो जाएगा, 3,000, 3,000 और 3,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 56,000 रुपया, और परचेस कर रहे हैं ना तो इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या लिख रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डीआर 50,000, इनपुट जीएसटी 3,000 और इनपुट एसजीएसटी 3,000, और टोटल बिल कितना हो गया, 56,000, जिसका पेमेंट वो किसमें किया है, बैंक के थ्रू किया। एकदम आसान है, किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लीगल कंसल्टेशन फी 10,000 पेड इन कैश। लीगल कंसल्टेशन कहने का मतलब कोई लॉयर वगैरह होगा है ना, और उसके ऊपर खर्च किए 10,000 रुपया। तो बताओ 10,000 रुपया लीगल फी हो गया और 6% का जीएसटी, और जीएसटी एसजीएसटी और सीजीएसटी, तो 600 और 600, तो टोटल कितना हो जाएगा 11,200। और ये कैश में पेमेंट किए तो एंट्री क्या होना चाहिए। अब देखिए, आप परचेस करिए या फिर वेजेस दीजिए है ना, सॉरी, या फिर लीगल कंसल्टेंसी फी दीजिए, परचेस करते हो उस समय भी पेमेंट करते हो, और लीगल कंसल्टेशन का जो लीगल कंसल्टेशन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरा दुकान है और हम अपने वकील से कुछ राय मशवरा लिए कि ये करना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, और उसके लिए वो 10,000 रुपये हमसे चार्ज कर लिया, तो कहीं ना कहीं इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीगल कंसल्टेंसी फी। इसके लिए टर्म यूज करेंगे लीगल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसमें भी जीएसटी लगेगा है ना, क्योंकि वो वकील जो था वो हाई टेक वकील था, मतलब वकील साहब जीएसटी पे काम करते थे, तो वो कोई भी चार्ज लिए लीगल वकील। अभी मतलब आपको ये मान लेना है ना, देखो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन पढ़िए ऊपर क्या लिखा हुआ। पास एंट्री इन द बुक ऑफ अशोक ब्रदर्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन। ऑल ट्रांजेक्शन कहने का मतलब क्या, सारे ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगा, तो तुमको एज्यूम करने के लिए बोल रहा है कि सारे ट्रांजेक्शन पे एंट्री ये पास करना है जीएसटी, तो फिर दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं कि वकील जीएसटी लेगा कि नहीं लेगा, जब क्वेश्चन ही बोल दिया कि सारे ट्रांजेक्शन पे जीएसटी लगाना है तो लगाना है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो क्या एंट्री होगा, लीगल फी अकाउंट डीआर 10,000। इनपुट क्यों लिखे हैं सर, क्योंकि परचेस करते हो तो भी पेमेंट करते हो, और लीगल का कंसल्टेशन लिए तो भी पेमेंट करोगे, और जब भी पेमेंट होगा तो क्या होगा, आप सर्विस लीजिए चाहे गुड्स खरीदिए, आपको जीएसटी इनपुट ही देना पड़ेगा, तो इनपुट जीएसटी, एंड टोटल कैश में पेमेंट किए तो टू कैश है ना। नेक्स्ट, काफी ऊपर चला गया। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है बच्चों, रेंट रेंट 20,000 पेड बाय चेक। तो अब ये दिमाग मत लगाने लगना कि रेंट दिए हैं तो रेंट पे तो जीएसटी नहीं लगता है, उतना नहीं सोचना है, रेंट दिए हैं तो रेंट अकाउंट डीआर, इनपुट जीएसटी सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। देखिए रेंट अकाउंट डीआर 20,000, इनपुट सीजीएसटी 1,200, 20,000 का 6% 1,200, 1,200 और टोटल कितना हो जाएगा 20,400। बात समझ में आया, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री पास करना। अच्छा लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी कहने का मतलब, देखिए आपको पता है कि कुछ, जैसा कल एग्जाम्पल एक लिए थे आपको याद होगा, कल एक एग्जाम्पल लिए थे हम 50,000 का 1 लाख रुपए का परचेज किए, जैसे 1 लाख रुपए का परचेज किए तो उसमें 5,000 रुपए का जीएसटी दिए थे, तो टोटल कितना हो गया था 1,05,000 रुपए। उसी चीज को 1,10,000 में हम बेचे और उसमें 5,500 रुपए का जीएसटी ले लिए, तो टोटल कितना हो गया 1,15,500। तो ये जो 5,500 रुपए का टैक्स हमको मिला, इसमें से 5,000 रुपये हम रख लेंगे और बाकी का 500 किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे, किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये जो काम कैलकुलेट हम किए कि गवर्नमेंट को कितना देना है, 500 देना है, तो ये तो एक एंट्री था तो इजिली कर लिए। अब यहां पर देख रहे हो बहुत सारा एंट्रीज है, इसको कैसे करें ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बुक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोचिंग संस्था के बारे में आपको पूरा डिटेल दिया गया है, आप चाहे तो संस्था से जुड़ सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल करके आप अपना डिटेल मुझ तक शेयर कर सकते हैं, और साथ ही साथ दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच,
बाय बाय, टेक केयर।